नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 को तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2, जो कि काफ़ी इजी एक्सरसाइज है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज 8.1। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज 8.1 कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ आप लोग के लिए ईजी है, सब कुछ कर सकते हो। आपको पता है जब भी मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैं क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। अगर कोई सम मुझे नहीं भी आता था तो भी मैं क्या करती थी, उसको लिखते बैठती थी। ठीक है, अगर कोई सम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 से 3 बार तो मैं उसको लिखती थी। 2 से 3 बार तो बहुत कम हो गया, 4 से 5 बार उसको लिखती थी। और लिखते 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 मेरे दिमाग में वो चीज़ घुसते जाती थी, फिर मेरे को वो समझ में आता था कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है ना, तो आप लोग भी प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, आप खुद ही ट्राई करना, खुद ही ट्राई करना। 2 लेसन लो, ठीक है, एक लेसन के जो एक्सरसाइज है उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, और एक लेसन जो है ना उसको बस आप 1 से 2 बार पढ़ करके छोड़ दो, और फिर देखो कौन सा लेसन आपको अच्छे से समझ में आता है, फिर आप मुझसे बोलना। ठीक है, तो चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल तो मैंने आपको बताया है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और इसके मैंने टाइप्स भी बताए थे। 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा क्या था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, देखा था कि नहीं हमने 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल देखे थे। कंटिन्यूअस क्या होता है मैंने आपको बताया था, डिस्क्रीट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फिर ये दोबारा से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका काम है, सुनिए तो सही, पूरा सुनिए फिर। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये हम 8.1 में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, बचा क्या था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिसको हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में स्टडी करने वाले। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था, हम ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते थे PMF से, PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, आपने देखा था ना इस तरीके से आपको टेबल दिया रहता था, आपको याद होगा, देखो देखो ये x और p ऑफ x, राइट। तो इसके लिए 2 कंडीशंस थी, हम लोग कंडीशंस चेक करते थे और फिर बताते थे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है या फिर PMF भी आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये PMF है कि नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए 2 कंडीशंस हम चेक करते थे ना। पहला कंडीशन क्या था, जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट, और लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका समीशन किसके इक्वल होना चाहिए, तो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन ये PMF है, अदरवाइज नहीं है। इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो PMF हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, PMF की जगह ना PDF आ जाएगा। ठीक है, PDF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, अब आप आइडेंटिफाई करो, कैसे करोगे, जैसे समझिए आपको कि कोई एक ना फंक्शन दिया गया, आपको बोला गया आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये PDF है या फिर नहीं है। तो इसके लिए भी 2 कंडीशंस होती है, जो इसमें होती थी ना वही इसमें भी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें हम लोग कैसे लिखते थे, P(x) है ना, P(x) लिखा करते थे, लेकिन इसमें हम क्या लिखते हैं, F(x). ठीक है, ऐसे देखो, इसमें जो आपका फंक्शन है ना, फंक्शन को तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या था, समीशन ऑफ P(x). अभी देखो, इसमें समीशन आता था, यहाँ पे समीशन की जगह क्या आएगा, इंटीग्रेशन। ओके, क्या आएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ F(x) dx, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका लिमिट देखो a to b। अभी लिमिट तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लिमिट भी दिया रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते बताइए, इंटीग्रेट करते, इसमें क्या करते थे, सम करते थे। वैसे इसका भी मीनिंग क्या होता है, सम ही होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, सम करना, जोड़ना। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होता है, लेकिन इसमें हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, इसमें अलग, क्योंकि देखो हम ना हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते थे। जैसे अगर x का वैल्यू 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, तो इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वैसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ना यहाँ पे वेरिएबल कैसे दे रहेंगे पता है, इंटरवल के फॉर्म में, जैसे a, b। ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बी का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो इस तरीके से, यानी इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया रहता है। ओके, तो हम हर एक के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें वैल्यूज जो है वो कैसे दिए रहते हैं बताइए, इंटरवल के फॉर्म में दिए रहते हैं, है ना। तो अब ये तो आपने समझ लिया, अब यहाँ पे एक और डिफरेंस हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, काफी इजी है। देखो यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, तो इसके लिए आप क्या करते थे, आपको याद होगा क्या करते थे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मतलब 2, लेस देन 4 मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते थे और इसी को इसका आंसर कहते थे, ठीक है। अब समझिए इसी में अगर ऐसा आ गया प्रोबेबिलिटी, चलो इसी में मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे देखो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से, और 4 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू 4 भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा करते थे, मतलब इसकी वजह से इसमें चेंजेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी लिखती हूँ, देखो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, ओके, या फिर अगर आपसे ऐसा पूछा गया है प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, फिर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरीके से आपको दिए गए और इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें क्या होता था, चेंजेस होता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन रहेगा ना, इसकी लिमिट क्या होगी, 1 2 3, और यहाँ पे भी वही होगा। देखो यहाँ पे इक्वल आया तो आपको लग रहा होगा कुछ अलग होना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होगा, वही होगा। देखो इंटीग्रेशन, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 2 4, समझे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस में बताइए क्या होता है कि ना, ये इसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहे, वो जो लिमिट रहता है हम वही लिखते हैं, ओके, यहाँ पे बढ़ा घटा के नहीं लिखा जाता है, क्लियर है आपको। तो ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए था, क्योंकि कई बार हम देखेंगे इस टाइप के भी क्वेश्चंस, ओके, तो ये आना चाहिए मेन तो, और ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ कंसेप्ट है, तो वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, जब उसके सम्स आएंगे ना तब आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इसके बेस पे जो भी सम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा एक्सरसाइज 8.2 में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है कि चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ। आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शंस दिए गए हैं ये पीडीएफ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर, यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरवल यहाँ पे दिया गया है, और इसके लिए इंटरवल क्या दिया गया है, तो जो आपका x का वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 के इक्वल या फिर 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, पीडीएफ के लिए हमने दो कंडीशन देखे थे। पहला कंडीशन हमने क्या बोला था कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड कंडीशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमने देखे थे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं दोनों कंडीशंस को। तो सबसे पहले पहला वाला कंडीशन चेक करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं समझिए ये वाला लेती हूँ एक्स, ठीक है, फंक्शन क्या एक्स, तो यहाँ पे इंटरवल क्या है, एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू समझिए 0 रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है बताइए, 0, यानी 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है कि नहीं। देखो अगर मैं 1 रखूँ तो भी, या फिर 0 और 1 के बीच में 0.1 0.5 कुछ भी वैल्यू रख दूँ, या तो 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वही होगा। देखो अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 रखती हूँ तो 2 - 1 1 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मैं 2 रखूं तो 2 - 2 0, यानी 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 1.5 रखती हूँ, कुछ भी वैल्यू इन दोनों के बीच में अगर मैं रखूंगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 से ग्रेटर वैल्यू ही मिलेगा। निगेटिव में तो मुझे आंसर मिल ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे जो पहला कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि हियर, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू गिवन इंटरवल। इंटरवल क्या दिया गया है बताइए, 0 टू
जीरो टू, यहाँ पे ना क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ठीक है। क्लोज देखो इसको कहते हैं क्लोज, क्लोज मतलब क्या, इस तरीके से स्क्वायर रहता है, और ओपन मतलब क्या, ऐसे रहता है, ठीक है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था मैं आपको बताती हूँ, स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 8 इन इक्वेशन, ठीक है, उसमें था ये। और एक और लेसन में था आपके 11th स्टैंडर्ड में ही, आपको याद होगा अगर आपने सीखा होगा तो, ये क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब ना इस तरीके से इक्वल का साइन आ गया तो, बस अगर इतना रहेगा तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब ऐसे, ठीक है। अगर ये आ गया तो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 to 2, ओके। अब उसके बाद ये तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, अभी दूसरा कंडीशन क्या था कि इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं इंटीग्रेशन किसका, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर अभी मैं लिखूंगी एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या होगा, तो 0 to 2, 0 to 2, ओके। अब इसको करना कैसे है वो आप समझिए, पहले मैं इसको मिटाती हूँ। ये देखो इसमें ना दो फंक्शंस दिए गए हैं, राइट, तो दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या है, एक्स है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स डी एक्स, इसका लिमिट क्या लेंगे, तो 0 to 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन, तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या आएगा, 1 to 2, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं 2 - x dx। अब आपको ये तो सॉल्व करने आता ही होगा, बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना, अगर उतना आता है तो बस उतना इनफ है ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाइए चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करिए, क्योंकि जब आपको ये दोनों लेसन आएंगे तभी आप इसको समझ पाओगे, ओके। समझ में आया ना, तो पहले आप क्या करो, मैथ पार्ट 1 के ये दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करो। अब सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 को सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक आप इस पे पहुंचोगे तो फिर वहां पे आपको सम्स बड़े ही डिफिकल्ट लगेंगे। यानी पहले आप इतने चैप्टर्स कीजिए, और आई होप कि आप सभी ने किया ही होगा, है ना, अभी तो इतना टाइम बीत चुका है, मतलब आप लोगों ने किया होगा, राइट। तो ये सारे करो और फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। वैसे यहाँ पे पूरा हम लोग इंटीग्रेशन के डीप में नहीं जाने वाले, जो हमने मैथ पार्ट 1 में सीखा था उतना अंदर नहीं जाएंगे, बस बेसिक बेसिक आता है ना, बस उतना काफी है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे हम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने देखा था ना। देखो एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, याद करिए और फिर इधर आप देखिए, ठीक है। और मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपने वो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर किया है, ठीक है, उसी को ध्यान में रख करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके। तो अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to 1 प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, तो देखो ध्यान से, इस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x, ठीक है, और इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है, 1 to 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करोगे, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, उनको हम पुट करेंगे x के प्लेस पे। तो कैसे पुट करते हैं, आपको मैंने सिखाया है कैसे, पहले ऊपर वाला यानी कि पहले अपर लिमिट और फिर बाद में लोअर लिमिट, ठीक है, कैसे देखो। और एक और बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, या फिर जाने दो, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं सिंपल वे में, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। ज़्यादा हम लोग स्मार्ट नहीं बनेंगे, धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना वैसा हम लोग करेंगे, नहीं तो हम एक काम कर सकते थे, इस 2 को बाहर निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हम सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, राइट, और यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आता है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो माइनस, और एक्स के प्लेस पे अभी हम लोअर लिमिट यानी कि 0 पुट करेंगे, 0 upon 2, ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो एक्स के प्लेस पे अभी 2 पुट करना है, क्या पुट करना है, 2, तो यहाँ पे 2 into 1 लिखा, माइनस एक्स के प्लेस पे 2 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको आप एक ब्रैकेट में कर दो, फिर उसके बाद माइनस। अब x के प्लेस पे 1 रखना है, ओके, तो 1 रखा था ना, अच्छा 2 रखना है, 2
ठीक है, x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट यानी 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये तो बराबर है ओके। अब हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस अभी x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2, ठीक है, प्लस अभी यहाँ पे क्या होगा वो आप ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 4 बाई 2 और यहाँ पे 4, देखो मैं आपको बताती हूँ, चलो अभी एक और स्टेप जाते हैं, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा माइनस 4 बाई 2, राइट, और यहाँ पे माइनस 2 वन ज़ा 2 और 1 बाई 2, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, देखो 2 टू ज़ा 4 और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आता है, यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ 1 बाई 2 और यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पे आता है 2 क्योंकि 4 माइनस 2 किया तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मैं एक काम करती हूँ ये ब्रैकेट को हटा ही देती हूँ, ठीक है ना, ये ब्रैकेट मैं हटा देती हूँ, ये वाला ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट को हटाऊंगी तो माइनस 2 हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया बताइए क्या किया, देखो 4 माइनस 2 किया तो 2 आया ओके, और ये वाले ब्रैकेट को मैंने हटा ही दिया तो माइनस माइनस इंटू प्लस 2, तो क्या आया माइनस 2 और माइनस 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 1 बाई 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, प्लस 2 और माइनस 2 ये दोनों हो जाएंगे कैंसल और 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हाफ, प्लस हाफ क्या होता है 1, यानी यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 टू 2 इसका लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आया 1, है ना, 1 के इक्वल आया, यहाँ पे वैल्यू क्या आया बताइए 1 के इक्वल आया, मतलब यहाँ पे पहला कंडीशन पे सेटिस्फाई हुआ था, दूसरा कंडीशन पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है पीडीएफ है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, समझे, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ओके। चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसी में का दूसरा सब क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पे भी सेम आइडेंटिफाई करना है कि ये पीडीएफ है या फिर नहीं है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं फंक्शन को, यहाँ पे क्या है मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 फॉर इंटरवल क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको फंक्शन दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है ये पीडीएफ है या फिर नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होगा क्या यहाँ पे, देखो एफ ऑफ एक्स कितना है 2 और यहाँ पे तो एक्स भी नहीं है, मतलब एक्स का वैल्यू तो हम कुछ पुट कर ही नहीं सकते, तो ये क्या है बताइए ग्रेटर देन 0 है ना, 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, मतलब पहला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, हियर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल, आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर ऑल, हम लोग लिखते थे ना मैथमेटिकल लॉजिक में आपने सीखा था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के लिए हम लोग ये यूज करते थे इस तरीके से साइन, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और ऐसे भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसे इस सिंबल का भी यूज कर सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्या आएगा यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 to 1, और देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो मैंने यहाँ पे ये ओपन इंटरवल का यूज किया है, ठीक है, तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अभी दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 to 1, राइट। अब आपका फंक्शन क्या है 2 है 2 डी एक्स, अब इसको जरा सॉल्व करिए, 2 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2x, लिमिट क्या है 0 to 1, ठीक है, अभी x के प्लेस पे हम लोग लिमिट को पुट करते हैं तो 2 इंटू 1, पहले हम 1 पुट करेंगे x के प्लेस पे, फिर माइनस उसके बाद 0, 2 इंटू 0, ठीक है, इंटू 0 करते हैं इंटू 0 ओके, तो 2 वन से 2 माइनस 2 0 से 0 यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आया एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आया बताइए 2 आया, यानी यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, क्योंकि क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 1 के इक्वल आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 आया है, मतलब दूसरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इसका लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, सो देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ पी डी एफ, बस ये है आपका फाइनल आंसर, समझे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है, पीडीएफ है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एट फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 अदरवाइज 0। अदरवाइज 0 का मतलब क्या, अगर ये रेंज के बाहर रहा x का वैल्यू तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, अगर ये रेंज के बीच में रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बाहर गया तो इसके अलावा क्या होता है, 0 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्या क्या निकालना है, ये बताना है, ये बताना है, ये बताना। अभी ये सब है क्या, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहला हमको क्या निकालना है बताइए, सबसे पहले आप फंक्शन लिख दीजिएगा, यहाँ पे फंक्शन लिखना चाहिए कि नहीं, लिखना चाहिए ना, इस तरीके से लिख देते हैं, x अपॉन 8 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 0 अदरवाइज, ठीक है। अब हमको पहला क्या निकालना है, पहला वाला देखिएगा, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1.5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, फंक्शन क्या है, x अपॉन 8 डी एक्स, आप लोग देख सकते हो, ये देखो x अपॉन 8, राइट। अभी इसका लिमिट क्या आएगा, तो यहाँ से आपको लिमिट मिलेगा, यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 1.5, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए, 1.5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या होगा, ये जो है ना 1.5, ये हो जाएगा इसका अपर लिमिट, क्योंकि लेस देन 1.5 है इसके लिए। और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगा, तो यहाँ से आपको लोअर लिमिट मिलेगा, ये देखो 0, ओके। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये 8 क्या है बताइए, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या होता है, अभी अभी पीछे देखा था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ नहीं तो आप देख ही नहीं पाओगे, ये 1/8 इधर मैंने लिखा, ये देखो 1/8, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। लिमिट लिख देते हैं 0 to 1.5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना, इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। बाहर निकाल के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, यानी क्या हो जाएगा, 1/8 तो पहले से है, राइट, और 1/2 आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे बचा क्या है, तो ओनली एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 to 1.5। अब क्या करेंगे बताइए, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और 8 2 ज़ा 16, राइट। अभी ये जो आपका एक्स है, इसके प्लेस पे हम 1.5 पुट करेंगे, तो 1.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स के प्लेस पे अभी 0, यानी 0 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/16 इंटू 1.5 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2.25, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 2.25/16, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है, तो ये है इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी, दे आर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 1.5 इज इक्वल टू 2.25, थोड़ा सा इसको ना नीचे लिखते हैं, देखो, दे आर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 1.5 इज इक्वल टू 2.25/16, समझे कैसे किया हमने, समझ में आया ना आपको। उसी तरीके से सेकेंड वाला भी करना है, तो सेकेंड इसमें क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। अब इसका लिमिट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो लिमिट दिया गया है 1 to 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, आप इसको इंटीग्रेट करो, तो 1/8 आ जाएगा बाहर, और फिर ये जो आपका x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट। लिमिट 1 to 2, समझ आ रहा है ना कैसे कर रही हूं मैं। अब क्या करेंगे, इस 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 1/8 इंटू 1/2, और यहां पर ये जो x है, इसके प्लेस पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट आता है, तो x के प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाइए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखते हैं 2 स्क्वायर, माइनस फिर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, है ना, 1 1 ज़ा 1, 8 2 ज़ा 16 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4,
और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर लिख दिया हमने 3, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए, 3/16। ओके, तो ये किसका वैल्यू है, तो ये है इसका वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी देयर फॉर, ओके क्या लिखेंगे, पी व्हेन एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, कितना आता है प्रोबेबिलिटी, 3/16। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे कैसे क्या हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आप अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पे मेरा बोर्ड है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन आपकी नोटबुक में तो कैसे लाइन लाइन दी रहती है, तो उसमें ऊपर नीचे होने का सवाल नहीं उठेगा, है ना। तो चलिए ये तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्या निकालना है हमको, मैं यहीं पे कैलकुलेट करती हूँ। आप देखो इधर, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा सुनिएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेट करना है x अपॉन 8 को, फंक्शन को। अब यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 2 हो जाएगा, अब अपर लिमिट क्या होगा, x 2 से ग्रेटर मतलब कितना भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना, लिमिट क्या है, यहाँ से मिलेगा आपको लिमिट, ये देखो 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4, ठीक है, समझ में आया लिमिट कैसे हमने डिसाइड किया। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो 1/8 तो आ जाएगा बाहर, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगा 2 to 4, और 2 को बाहर ले लेते हैं तो 1/8 इंटू 1/2, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, x के प्लेस पे पहले 4 रखो तो 4 का स्क्वायर माइनस, अब क्या रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 8 2 16, राइट, इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो बता दीजिए क्या आएगा, 16 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी यहाँ पे 1/16 इंटू 16 माइनस 4 करने पे क्या आता है, तो 12 आता है, यहाँ पे लिख दिया 12, यानी कि 12/16। अभी इसको छोटा करो, किससे कैंसिल हो सकता है, 4 से, 4 3 12 और 4 4 16, यानी कि 3/4। ओके, इसका देखो फाइनल आंसर हमको क्या मिला, 3/4। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि दे आर फॉर probability when x is greater than 2, कितना आया, 3/4। ओके, समझे, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पर देखिएगा, ये है आपका फंक्शन, आप लोग देख सकते हो, और इसमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो तीनों का आंसर हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिखती हूँ, तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³/64, राइट, यही है ना, आप देख सकते हो, रेंज यहाँ पे क्या दिया है, मतलब इंटरवल क्या है, देखो यहाँ पे लिखते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, अदरवाइज 0। अब पहला क्या है, वेरीफाई वेदर एफ एक्स इज अ पीडीएफ, हमको ये बताना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ना पीडीएफ है, ऐसा हमको चेक करना है, ठीक है, बताना नहीं, हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये पीडीएफ है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए 2 कंडीशंस थे, आपको पता है, पहला कंडीशन क्या होता था, ये जो है एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर 0 के इक्वल रहा तो भी चलेगा, और दूसरा कंडीशन इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे कैसे चेक करोगे, एक्स का वैल्यू आप ना 0 और 4 के बीच में रख के देखो, 4 रखोगे तो भी चलेगा, 0 रखोगे तो भी चलेगा, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 रखा तो 0 आता है, ओके अच्छी बात है, फिर 1 रखा तो 0 से ग्रेटर आता है, 2 रखा तो भी 0 से ग्रेटर, 3 रखा तो भी, 4 रखा तो भी, यानी यहाँ पे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे 0 to 4, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल क्यों आया, क्योंकि देखो इक्वल का साइन है, राइट, समझे। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, अभी दूसरा कंडीशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और लिमिट क्या आएगा, 0 to 4, राइट। तो चलो एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम 0 to 4, एफ ऑफ एक्स है x³/64 dx। तो कैसे करोगे, ये जो 64 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1/64, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, मतलब रुको, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे किसको, x³ और 0 to 4,
समझे इसको बाहर क्यों लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट था ना, इसीलिए हम इसको बाहर ले सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेज टू, इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, 1/64, ठीक है, एक्स रेज टू 4/4, यहाँ पे लिमिट लिख देते 0 to 4। अब उसके बाद 1/64, एक काम करते 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में क्या आया, एक्स रेज टू 4, और यहाँ पे लिमिट भी तो लिखना पड़ेगा, लिमिट लिख देंगे 0 to 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, 1/, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, फिर 6 4 24, यहाँ पे आ गया 256, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं, तो x के प्लेस पे अभी हम 4 रखेंगे, तो 4 का 4 रेज टू 4 हो जाएगा, है ना, 4 रेज टू 4 माइनस, अभी हम x के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो 0 रेज टू 4। अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 1/256 इंटू 4 रेज टू 4 क्या हो जाएगा, तो चलिए एक बार करके देखते हैं, 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 4 16 और 16 4 64, 64 4 क्या होता है, चलो देखते हैं, 4 4 16, 6 4 256, कितना आता है, 256, राइट। अब क्या होगा, 256 से 256 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, 1, ओके। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिला, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें वैल्यू क्या मिला, 1, राइट, हमको यही तो चाहिए था, समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ था, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, यानी ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है, पीडीएफ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे आपका पहला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी दूसरे में क्या दिया गया है वो भी देखते हैं, जो पहले किया था ना वही करना है, मैं बताती हूँ कैसे करना है, देखो यहाँ पे डालेंगे नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या बोला है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, हमको इतना तो पता है। अभी यहाँ पे लिमिट क्या होगा वो आप देखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो ये फंक्शन का, एक्स क्यूब अपॉन 64, राइट। अब लिमिट क्या आएगा, तो यहाँ पे दिया ना 0 to 1, ठीक है, dx क्या होगा, 1/64 बाहर, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने देखा था ना एक्स रेज टू 4/4, लिमिट आएगा 0 to 1, ठीक है। अब इस 4 को इधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/64 × 1/4, और फिर वैल्यूज रखो, तो x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 रेज टू 4 माइनस, x के प्लेस पे हम 0 लिखेंगे, 0 रेज टू 4, राइट। अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई कर देते 1/4 4 16, यहाँ पे आ जाएगा 256 इंटू 1 रेज टू 4 किया तो 1, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखते हैं हम, दे आर फॉर probability when x is greater than 0 less than or equal to 1 is equal to 1 1 1 upon 256, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग लास्ट वन देखेंगे, लास्ट सब क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे थर्ड वन क्या है, ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, सुनो, हमको प्रॉबेबिलिटी बताना है दैट x इज बिटवीन 1 and 3, यानी x ना 1 और 3 के बीच में है, ऐसे p यहाँ पे लिख दीजिए, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, इसका लिमिट हो जाएगा 1 to 3, और फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, फंक्शन तो सेम आएगा, x क्यूब अपॉन 64 dx। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 64 को बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/64, उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्टली, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4/4, लिमिट 1 to 3। अब एक काम करते हैं, इस 4 को भी बाहर ले लेते हैं, तो 1/64 × 1/4, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स रेज टू 4, लिमिट है 1 to 3। अब हम क्या करेंगे, तो लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1/64 × 4 हो जाएगा, है ना, 1 1 1, और इन दोनों को अभी ऐसे ही रहने देते हैं,
बाद में क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने दो। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आंसर मिलेगा, वैसे भी आंसर मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी रहने दो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, तो एक्स के प्लेस पे अभी हम लोग 3 रखेंगे, 3 raised to 4 - 1 रखेंगे, है ना, एक्स के प्लेस पे 1 भी रखेंगे। अब 1 upon 64 into 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 raised to 4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे, तो देखो 3 3 = 9, 9 6 = 27, 27 3 = 81, क्या आएगा यहाँ पे, 81। और 1 raised to 4 मतलब 1, हमको पता है। अब क्या होगा, तो 1 upon 64 into 4, और 81 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 80। ठीक है, अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे आ गया 20, क्या आया, 20 upon 64। अब बताइए ये दोनों को हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 5 4 1 4 6, यानी कि 5 upon 16, इसका वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पे लिखते देयर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन 3 इज इक्वल टू कितना आया है, 5 upon 16, समझे। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके, समझे ना कैसे क्या हमने, आप देख सकते हो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, और तीसरे का आंसर ये है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमने 3 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं, अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो को देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हो, मैंने हर एक लेसन का सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।